दर्शकों, मैं हूं प्रज्ञा। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। बिहार के युवक ने मांगी इच्छा मुक्ति की अनुमति, प्रधानमंत्री कार्यालय में दिए जांच के आदेश। भागलपुर जिले के 15 वर्षीय किशोर ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने माता पिता के तनावपूर्ण रिश्ते के कारण इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। उसने पत्र में लिखा है कि माता पिता बहस और झगड़े के कारण उसकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने भागलपुर जिला प्रशासन को मामले की जाँच के आदेश दिए है। फ्लाइट ने की इमरजेंसी लैंडिंग। विस्तार की मुंबई फ्लाइट ने सिर्फ 10 मिनट का ईंधन बाकी रहते लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग की। 153 यात्री वाली इस फ्लाइट को शाम 5 बजे दिल्ली उतारना था, लेकिन खराब मौसम के कारण ऐसा नहीं हुआ। फ्लाइट को पहले लखनऊ फिर प्रयागराज डाइवर्ट किया गया, लेकिन पायलट द्वारा संकट का संकेत देने के बाद लखनऊ में आपात लैंडिंग की गई। ठाकुर सामुदायिक अविवाहित युवतियों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की खबर सामने आई है। गुजरात के बनासकांठा में ठाकुर समुदाय के अविवाहित युवतियों को मोबाइल इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने का और अंतरजातीय विवाह करने वालों के माता पिता पर 1.5 से 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। कांग्रेस विधायक गनीबेन ठाकुर ने कहा कि लड़कियों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर रोक में कुछ गलत नहीं है और लड़कियों को तकनीक से दूर रहना चाहिए। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।